السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزاني جرامي مختصر سے خطبة بعد اس قبل کے अल्लाह व न से दुआ है कि अपने हबीब लबीब रहीम सल्लल्लाहु रऊफ़ुरम अलैहि वसल्लम के सदके व मुझे हक़ कहने की तोफ़ीक आता फरमाए और हम सब को हक़ सुनने की समझने की कबूल करने की और उस पर अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए दिन लहब में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे शर्मे नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं रिजके खुदा खाया किया फरमान हक टाला किया शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं अजीजा ने गिरामी अल्लाह सुबहान तुरान मजीद में इर्शाद फरमाता है और कुछ लोग खेल की बातें ख़रीदते हैं कि अल्लाह की राह से बहका दें बेसमझे और उसे हंसी बना ले उनके लिए जिल्लत का अजाब है अजीज़ा गिरामी क़ुरान पाक ने अल्फाज में फरमा दिया क़ुरान पाक ने साफ साफ कह दिया कि कुछ लोग हैं जो खेल की चीज़ें ख़रीदते हैं जो अल्लाह की राह से बहका दें आज हम अगर अपने मुआरे का जायज़ा लें आज हम अगर अपने समाज के हालात को देखें आज हम अपने गिरदोपेश जायज़ा लें आज हम अगर अपने घर के माहौल को देखें अगर हम अपनी सोसाइटी का जायज़ा लें तो अंदाज़ा होगा कि हम गुनाहों के दलदल में फंसे जा रहे हैं आज हर घर में खेल की बातें हो रही हैं हज़ारों लाखों पाउंड और रुपये और डॉलर्स खर्च करके टीवी की शक्ल खरीदी जा रही है आज हर घर में खेल की चीज़ें हैं वीडियोस हैं टी हैं हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं लेकिन टीवी देखने के लिए वक्त है हमारे पास मस्जिद में जाने के लिए वक्त नहीं मगर टीवी देखने के लिए वक्त है हमारे पास दीनी मजलिस में जाने के लिए वक्त नहीं मगर टीवी और वीसीआर देखने का वक्त है आज हमारे पास नेक काम करने के लिए वक्त नहीं मगर फुटबॉल और क्रिकेट मैच खेलने का वक्त है आज हमारे पास कुरान की तलावत करने का वक्त नहीं लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट का मैच देखने के लिए वक्त है आज हमारे पास हदीस पढ़ने के लिए वक्त नहीं मगर घंटों घंटों मोबाइल पर चैटिंग और बात करने के लिए वक्त है आज हमारे पास तबलीग के लिए वक्त नहीं लेकिन दुनियावी के लिए वक्त है। दिन में खोना तुझे, तुझे शब सुबह तक सोना तुझे शर्म नबी खौफ खुदा यह भी नहीं वो भी नहीं अजीजा ने गिरामी आज पूरी दुनिया में पूरी मगरबी तहजीब फैल रही है अंग्रेजी तहजीब अपना दामन फैला रही है अंग्रेजी तालीम आम हो गई दीनी तालीम से लोग दूर होते जा रहे हैं आज लोग दुनियावी तालीम देना बड़ा फख्र महसूस करते हैं आज लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना अपना वकार समझते हैं आज लोग दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखते हैं अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने की कोशिश ही नहीं करते लेकिन दुनियावी और इंग्लिश तालीम दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं अंग्रेजी तालीम दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं रिश्वत देनी पड़े तो देते हैं एनरोल करने के लिए माएँ जो हैं वो स्कूलों के सामने घंटों घंटे खड़ी रहती हैं और हर रोज़ अपने बच्चों को नया दूल्हा बनाकर कर दूल्हे की तरह सजाकर स्कूल पहुंचाती हैं और बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच जाती हैं अज़ीज़ा ने दीनी तालीम के लिए कोई इंतज़ाम नहीं कोई अहतमाम नहीं कोई शौक़ नहीं कोई शान शौकत नहीं दीनी तालीम के लिए कोई फिक्र नहीं दीनी तालीम के लिए कोई कोशिश नहीं जब हमारा माहौल ये होगा जब हमारा किरदार ये होगा दीनी तालीम से हम दूर होंगे तो हमारे समाज से बुराइयाँ कैसे दूर हो सकती हैं हमारे समाज की असलाह कैसे हो सकती है जब हमको दीनी तालीम ही नहीं होगी तो हम हलाल हराम वो कैसे पहचान सकेंगे यही वजह है कि हमारा मुआरा रोज बरोज गुनाहों के दलदल में फंसता जा रहा है दिन लहब में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं और वो भी नहीं अजीजानी गिरामी आज हमारे नौजवान इस्लामी माहौल से कोसों दूर है इस्लामी माहौल से इनका कोई वास्ता नहीं हमारे नौजवान इस्लामी माहौल को अपनाने से गुरेज करते हैं इस्लामी वज़ाकता अपनाने से दूर भागते हैं इस्लामी तहजीब से दूर भागते हैं इस्लामी माहौल में रहना पसंद नहीं करते हमारे नौजवान ऐसा लिबास पहनते हैं जो इस्लामी लिबास नहीं होता ऐसा लिबास पहनते हैं जिसमें हर चीज नज़र आती है हमारे नौजवान ऐसे ही लिबास को पहनना फखर तसवर करते हैं ऐसे ही लिबास को पहनना तरक्की समझते हैं जिसको यहूद व नसारा का लिबास कहा जा सकता है हमारे नौजवान गैर महरम औरत से मेल जोल रखना कोई बुराई नहीं समझते हमारे नौजवान जो इस्लाम की निशानियां हैं खुलम खुली निशानियां हैं उनको कुछ नहीं समझते रोज़ाना सुबह उठकर सुन्नत रसूल की मुखालफत करते हुए अपनी दाढ़ी को साफ करते हैं अपने चेहरे पर ब्लेड फेर कर दाढ़ी का सफाया कर देते हैं दाढ़ी के साथ साथ मूछों को भी रुखसत कर देते हैं फिर शक्ल ऐसी हो जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये भाई साहब हैं या भाभी साहिबा हैं ये मर्द है या औरत है किसी मुस्लिम का चेहरा है या किसी मशरक़ का चेहरा है हमारे मुसलमान नौजवानों को ज़रा भी एहसास नहीं कि रोज़ाना दारी मुंडा कर हरामकारी का मरतकब होते हैं दारी मुंडाना हराम है दारी मुंडाना हराम है दाढ़ी मुंडाना सख्त गुना है दाढ़ी मुंडाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को नाराज़ करता है अपने चेहरे से सुनत रसूल को मिटाता है दाढ़ी मुंडाना ग़रत मर्दानगी के खिलाफ है दारी मुंडाना अशार इस्लाम के ख़िलाफ़ है लेकिन हमारे नौजवानों को ज़रा भी एहसास नहीं ज़रा भी खौफ ख़ुदा नहीं ज़रा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास नहीं के मरने के बाद अल्लाह और अल्लाह रसूल को क्या जवाब देंगे इसीलिए तो आला हज़रत अजीमुलबरकत रदी अल्लाह तहु हैं कि दिन लहु में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे शरब नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं रज़ खुदा खाया किया फरमान हक़ टाला किया शिक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं अल्लाह सुबहाना तम हमको और हमारे बच्चों को नौजवानों को शरीत मतहरा और सुनत रसूल पर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए हम सब को महबूब पाक तआला अलैहि वसल्लम की खूब इश्को मोहब्बत अता फरमाए क्यों रजा आज गली सुनी है उठ मेरे धूम मचाने वाले वमा इल्ला अल बलागुल मुबीन